एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस नमल कराची एडमिशन 2022 के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम जो हैं वो अवेलेबल हैं और उसका हमारे पास जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, इसमें जो है आपने अप्लाई किस तरह करना है और इसमें हमारे पास जो है वो जो हमारे पास स्कॉलरशिप है वो हमें कौन कौन सी मिल रही है। ठीक है, तो ये तमाम डिटेल्स हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले अपने आपने गूगल ब्राउज़र ओपन करना है, उस पर आपने लिखना है नमल कराची। तो आपके सामने जो है इस तरह के पेज शो होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक जगह पर लिखा हुआ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज सबसे टॉप पे, तो हम इसे क्लिक इसे इस पर हम क्लिक करते हैं। इसे हम एक न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेते हैं और ये हमारे पास इसका फीस स्ट्रक्चर है, इसे भी मैं एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ ताकि हम इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी देख सकें। ठीक है, तो जब हम इसके मेन उस पर ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उसकी हमारे पास सबसे वेबसाइट ओपन होती है। और इस पर ओपन करने के बाद हमारे पास एक तो ये चीज़ शो होती है, इसको हम यहाँ पे कट करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे जिन चीज़ शो होता है इसका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म, जहाँ पे लिखा हुआ है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस कराची कैंपस और एडमिशन स्प्रिंग 2022 के हमारे पास। और यहाँ पर अगर हम देखें प्रोग्राम्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश में हमारे पास जो डिग्री प्रोग्राम्स है BS इंग्लिश है 4 साल का, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इसके साथ हमारे पास BS इंग्लिश ब्रेडिंग है हमारे पास यहाँ पे 2.5 ईयर का, ये भी हमारे पास मॉर्निंग एंड इवनिंग जो है बोथ जो हमारे पास टाइम के लिए अवेलेबल है। और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम है, इसमें हमारे पास MBA है वीकेंड क्लासेस के अंदर 2 साल का, और MBA हमारे पास 1.5 ईयर का, ये भी वीकेंड क्लासेस में अवेलेबल है। और BBA हमारे पास 2 साल का है, ये भी मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम दोनों में अवेलेबल है। और जो BBA हमारे पास 4 साल का प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग वाली शिफ्ट में अवेलेबल है। अगर हम बात करें BS कॉमर्स की, ये हमारे पास यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों प्रोग्राम्स के अंदर जो अवेलेबल है। और यहाँ पे हमारे पास जो है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, इसमें मैं जो डिग्री प्रोग्राम करवा रहे हैं वो BS साइकोलॉजी है मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों प्रोग्राम्स के लिए। एंड BS इस्लामिक स्टडीज़ हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे BEd सेकेंडरी 2.5 ईयर का अवेलेबल है वीकेंड क्लासेस के अंदर, और हमारे पास ये BEd सेकेंडरी 1.5 ईयर वाला भी अवेलेबल है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसको चेक करें यहाँ फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर, तो मैं जो फंक्शनल कोर्स करवा रहे हैं वो डिप्लोमा हमें करवा रहे हैं इंग्लिश में, अरेबिक में, चाइनीज़ है, जर्मन है एंड फ्रेंच है, तुर्किश है एंड कोरियन है। इसकी जो शिफ्ट है हमारे पास वो मॉर्निंग है, इवनिंग है और वीकेंड है। ठीक है, और सर्टिफिकेट हमें दे रहे हैं वो इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज़, जर्मन, तुर्किश, फ्रेंच एंड कोरियन में, वो एक सेमेस्टर का है। ठीक है, इसमें मॉर्निंग, इवनिंग एंड वीकेंड जो है वो तीनों शिफ्ट अवेलेबल हैं। एडवांस डिप्लोमा इन इंग्लिश ही करवा रहे हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रोग्राम के लिए। ठीक है, और IELTS का जो डिप्लोमा हमारे पास वीकेंड क्लासेस के अंदर करवा रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने जो है वो शार्ट कोर्सेज स्टार्ट किए हैं 3 मंथ्स के। ठीक है, इसमें हमारे पास जो एक इंग्लिश का शार्ट कोर्स है, दूसरा तुर्किश का है, तीसरा जर्मन है हमारे पास, फिर यहाँ पे फ्रेंच है, कोरियन है एंड अरेबिक है। ठीक है, और इसमें हमें लास्ट डेट टू अप्लाई इन्होंने बताया कि 10 जनवरी 2022 से पहले पहले आपने इसमें अप्लाई करना है। और आपका जो एंट्री टेस्ट होगा वो 13 जनवरी 2022 को होगा। और अगर आप इसमें अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपने सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है, तो आप जो इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, और अगर आप ये एडवर्टाइजमेंट जो है आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, फिर आप चेक करना चाहते हैं, तो आप इसे किसी भी न्यू टैब के अंदर ओपन करके या फिर आप इसी के ऊपर अपने कर्सर रख के आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये आप यहाँ पे डिटेल से चेक कर सकते हैं कि इनके पास कौन से प्रोग्राम है। जैसे आप यहाँ पे हमारे पास BS इंटरनेशनल रिलेशंस भी है मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रोग्राम का। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी अगर हम बात करें इसका फीस स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास इसका फीस स्ट्रक्चर है वो इस फॉर्म में अवेलेबल है। और इसको जो हमें चेक करने के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि काफ़ी चलो फिर भी हम इसको देखते हैं जूम करके कितना जूम होता है हमारे पास यहाँ पे। तो अगर आप इसको डाउनलोड करने के बाद जूम आउट करेंगे तो आपको आसानी से आपके हाथ आ जाएगा, वरना फिर इसको खपना पड़ता है। यहाँ से हम जो करेंगे ऊपर, और यहाँ से जो आप इसका किसी भी डिपार्टमेंट जिसमें भी आपने एडमिशन लेना है उसका जो आप यहाँ से फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं उसको आप जूम इन करके। ठीक है, तो ये हमारे पास एक HD फॉर्म होता है, मतलब इसकी तस्वीर और पट्टी वगैरह नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने इसका अपना फीस स्ट्रक्चर आपने चेक करना है। और अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स की, तो इस पेज पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करें, इसके अलावा यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट फॉर्म है उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि स्कॉलरशिप अवेलेबल है। और यहाँ पर सबसे नीचे जो है यहाँ पे एक स्कॉलरशिप्स का ऑप्शन है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करके जिसके स्कॉलरशिप्स हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो सबसे पहले इनके पास जो है वो HCC नीट बेस्ड स्कॉलरशिप है। इसके अलावा ठीक है, ये पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप है वो इनके पास अवेलेबल है। SRS अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की स्कॉलरशिप है वो भी अवेलेबल है। और बाकी इनकी जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो आपके जो रिजल्ट होता है आपका मैट्रिक का, FSC का, ठीक है, इस हिसाब से अगर आपकी परसेंटेज जो है वो 80% से ऊपर आ रही है तो उसमें भी आपको जो है काफ़ी सारे बेनिफिट जो आपके बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी सारे मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो स्कॉलरशिप्स की डिटेल चेक कर लेनी। और
आज की हमारी वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी और अच्छी भी लगी होगी। अभी अगर आपके माइंड में इस वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी भी प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना चाहें, तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके जो है आपने इसके क्राइटेरिया वो देख लेना, ठीक है। मतलब जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपली इसको क्लिक करना है और उसका जो क्राइटेरिया है वो आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है जी। और आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।